जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार व तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब CAA आया था बंगाल में जाकर हमने अपना गर्दन फंसाया था, लालू नीतीश तेजस्वी कोई नहीं गए थे कंधा लगाने। आज भाजपा बंगाल में जीत गई होती तो आप लोग अभी लाइन में खड़े होकर फॉर्म भर रहे होते। बिहार में गठबंधन बनाकर फिर ठगने का उपाय कर रहे हैं। 15 में आपने वोट दिया था, ये आदमी 17 में आपको ठग कर भाग गया, फिर वोट कीजिएगा फिर भागेगा, लिख कर रखिए। हम उनके साथ रहे, आप उनको नहीं जानते हैं हमसे ज्यादा, और ये हमको कह रहा है। जरा याद कीजिए, तब CAA NRC आया था, जब आप पर तलवार लटकी थी तो किसने अपना गर्दन बंगाल में जाकर फंसाया? कौन यहाँ बिहार का वीर गया था लड़ने बंगाल में? लालू यादव गए थे कि तेजस्वी यादव गए थे कि नीतीश कुमार गया था? कोई नहीं गया था, हम गए थे अपना कंधा लगाने, हमने अपनी गर्दन खसाई थी। आज अगर CAA NRC नहीं बंगाल में अगर भाजपा जीत गई होती तो आज CAA NRC का लाइन लगाकर आप फॉर्म भर रहे होते। हमको कह रहा है कि हम भाजपा का भी टीम है, और तुम भैया क्या हो तुम अपने देख लो। अगर समाज में हमको सर्टिफिकेट देना पड़े तो हमको नहीं देना है सर्टिफिकेट। जिसको साथ रहना चाहते हैं आप रहिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमने हराया है भाजपा को, ये तो लड़ रहे हैं, हमने लड़ के हराया है। आप तो चुनना है कि आप लड़ने वाले के साथ रहना चाहते हैं कि लड़कर जीतने वाले के साथ रहना चाहते हैं। हम हराएंगे, बैलून में हवा हमने भरा है, निकलेंगे हम ही, चिंता मत कीजिए। बहुत लोग कह रहा है चुनाव कैसे जीतिएगा, तो मालूम नहीं है। जो मेरा भारी आलोचक है उसको भी पता है कि प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। जिसका हाथ पकड़कर चुनाव लड़ाएंगे उसके सामने किसी को नहीं टिकने देंगे। इतना मजबूती से लड़ाएंगे कि नीचे से जमीन खिसकेगी, ऊपर से आकाश उड़ जाएगा, उसको पता ही नहीं लगेगा। बंगाल में पता लगा, पूरी ताकत लगा दी भाजपा ने, फिर भी नहीं जीतने दिए। आप भरोसा रखिए, साथ में खड़ा होइए और आपको रिजल्ट ला कर देंगे। जिसके साथ आप 30 साल से हैं, 3 साल हम पर भरोसा करके देखिए। हम अपनी पार्टी नहीं बना रहे हैं, आप अपने आप पर भरोसा करके देखिए, स्थिति उससे बदलेगी। और वो जब बदलेगी तो बिहार तक नहीं रहेगी, बिहार के आगे तलक बात जाएगी।